मेरा नाम सैयद मुजाहिद है, सैयद मुजाहिद सैयद मुइनुद्दीन, और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये रहीम नगर अल्तमश कॉलोनी की 2 नंबर गली है और ये जागीरदार साहब का वार्ड है। और यहाँ पर हम 3-4 साल से जो डेनिस का मसला है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ। असल में क्या होता है कि डेनिस में सब जब चंबर भर जाते तो ये पानी बाहर आने की बजाय इसके अंदर घुसों ने सुराख किया हुआ है, घुसों ने जो गड्ढे कर दिए तो वो पानी ज़मीन के अंदर जाता है और जाने के बाद में ये पानी बोर के अंदर मर्च हो जा रहा। अब इस जब हम बोरिंग चालू करते इस्तेमाल के लिए, जब घर का कोई कपड़ा धोना है, घर के बर्तन धोना है, या वज़ू के लिए या गुसल के लिए, तो उसके अंदर गटर की चंबर की एकदम गलीज बदबू आती है और पानी का कलर पीला काला ऐसा नज़र आता है। तो इस दिक्कत की वजह से हमने वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और जहाँ पर हमारे एरिए के अंदर नल आता है 8 दिन में 10 दिन में एक बार, तो उतना हमारा उतना पानी स्टोर करने के बाद में उससे हमारा जितनी भी हमारी जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो हमने 3-4 साल से ये बातें हमारे एरिया कॉरपोरेटर साहब के पास में भी रखी, उनको हमने कुछ वीडियो दिए, उनके पास हमने हर वक्त कॉल किए। इन्होंने वक्ती तौर पर क्या किए, क्या कोई गाड़ी भेजते थे उस गाड़ी से यहाँ से ब्लॉकेज ख़त्म किए, कुछ कॉरपोरेशन के लोग आते थे वो कुछ सलिया वगैरह लेके उससे ब्लॉकेज टेम्परवारी वक्त ज़रूरत हो जाता। मगर अभी 6 महीने से ऐसी प्रॉब्लम है कि ये रास्ते पर से पानी बह रहा, और ये होने के बाद में जब काम नहीं हुआ तो हमने हमारे डॉक्टर गफ्फार साहब इनके पास गए। हम महल्ले के कुछ 5-50 लोग जमा हुए, जैसे कि हमारे जिम्मेदार कैसर भाई है, हमारे मुन्ना भाई साहब, तो हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह हमारे को बहुत ही इत्मीनान दिलाया और कहा कि आपको इंशाल्लाह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द यहाँ का काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सोहेल सर हमारे साथ में, अभी आपकी क्या मांग है? नहीं सर, मांग बोले तो हमारे को नई पाइपलाइन डालना है। जी जी जी, हमारे को ये चंबर जो है तो चंबर बदलना है। चंबर के अंदर जो है तो 1 फिट का गैप है, उसके अंदर ना ही कोई मजदूर उतर पाता और ना ही तो पाइप के अंदर कोई झुक कर काम कर सकता, और नीचे से जो पाइप गए हुए है ना वो पूरा पाइप ब्लॉकेज है, फूटा हुआ है, इसके आगे पानी पास नहीं हो रहा। और अब ये लास्ट स्टेज है, ये इसको बस आप पूरा खोदना जरूरी, पूरा डिमोलिशन करना है। पानी बोरिंग में से आ रहा है क्योंकि ड्रेनेज का पानी बोरिंग में मिक्स हो रहा है। हमने सुना था कंटेनमेंशन कि ड्रेनेज का पानी नल की पाइपलाइन में आ जाता है, लेकिन ये बोरिंग के पाइपलाइन में भी यहाँ का अल्तमश कॉलोनी के 2 नंबर गली में ये बड़ा मसला आया है। हमने डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब की हिदायत पर आज Zone No. 3 में नुमाइंदगी की, वहाँ पर वार्ड इंजीनियर वसंत भोए साहब से मुलाकात की। वसंत भोए साहब ने ये हमें तयखुन दिलाया, इत्मीनान दिलाया कि हम 2 दिन में आपके चैम्बर का काम करके देंगे। हमने उन्हें, हमारे डेलीगेशन ने उन्हें राइटिंग में अप्लीकेशन भी दिए, हमने इसकी कंप्लेन ऑनलाइन भी की है, हमने इसकी कंप्लेन मेल के द्वारा कॉरपोरेशन को भी किया है, हमने ये कंप्लेन वीडियो के जरिए ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद जी श्रीकांत सर को भी भेजा है, उन्होंने भी फॉरवर्ड करके शायद भोए साहब को हिदायत दी है। मेरी उम्मीद है कि आज ये जो रोड पर ड्रेनेज का पानी बह रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि आज के आज ये ड्रेनेज का पानी बहना ख़त्म हो जाएगा, मेंटेनेंस आज के आज होगा और 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ये चैम्बर का मेंटेनेंस करने का हमें उन्होंने तयखुन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कॉरपोरेशन के ज़रिए से कि बराबर 2 दिन के बाद काम हो जाएगा और इंशाल्लाह ये साकिनान के मसाइल का हल भी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह।